अब हर एक वॉचकार मेरी होगी, यहां मेरा ही साम्राज्य रहेगा। नील, मैं तुम्हें अल्ट्रा माइंड की और साथ में वॉच गियर भी दे रहा हूं। अब तुम्हें वॉच कार के सभी मुकाबलों में हर खिलाड़ी को हराना होगा। हम भी आज तुम्हें इसके साथ सीखना है। अब मैं इसे फेंकूंगा और तुम्हें उसे लाना है, ठीक है? ओह, मुझे इसे दूर फेंकना चाहिए था। हे, ज्यादा दूर मत जाओ। हम भी, हाँ? कौन है ये? किसने किया ये? नहीं, ओ मेरी प्रिय, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। क्या तुम मेरा लाल गुलाब बनोगी? आप साहिल, बिल्कुल भी नहीं, बदतमीज। तुम्हें लगा मैं फंस जाऊंगी? हाँ रुको, एक बार के लिए रुक जाओ। विक्टर, विक्टर, नहीं, ड्रोन। कुचल दो सबको, सबको कुचलो। ये लो, ठीक है, अब थोड़ा और सीख लेते हैं। बड़ी खबर, एक अज्ञात वॉचकार दूसरी वॉचकार्स पर आक्रमण कर रही है। हाँ, कोई आक्रमण कर रहा है? हैरानी की बात यह है कि सभी पीड़ितों की पहचान 12 मास्टर्स के तौर पर हुई है। चलिए सुनते हैं एक पीड़ित अर्नव ने क्या बताया। हे भगवान, मैं तो सन्न रह गया। एक काली चीज न जाने कहाँ से आई और धमक पड़ी, उसने हम पर हमला किया। कोई मेरे हम्बी को ठीक कर दो, मैं ये कभी नहीं सह सकता। आक्रमण के पीछे कौन है ये अब तक पता नहीं चला है, जिस वजह से लोग बेचैन हो रहे हैं। हाँ, ऐसा कौन कर रहा है? मुझे ये पता लगाना होगा। ब्लूविल, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्लूविल को छोड़ो अभी। तुम लोग कौन हो? ये क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या है ये? ओह सोना, कौन हो तुम लोग? नहीं, नहीं, नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। ये कौन सी जगह है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन लोग हैं जो हमें यहाँ लाए हैं? जरूर उन्हें हमसे कुछ चाहिए। क्या पता कि वो हमें कहीं बेचने की कोशिश करे तो? क्या हमें ये नाव से किसी दूसरे देश में छोड़ाएंगे? क्या होगा जब डरावने लोग हमें ले जाएंगे और नरभक्षी हमें खा जाएंगे? अगर नहीं तो ये हम पर कोई अजीब प्रयोग भी कर सकते हैं। हो सकता है एलियंस हमें अगवा कर ले। मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है, इंसानों को अगवा करके एलियंस उन पर प्रयोग करते हैं। नहीं,
और ये भी नहीं तो ये भूत पिशाचों का ठिकाना भी हो सकता है। अब बस रुको भी, तुम तो मुझे भी डरा रहे हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। नहीं मामी, अगर मुझे ये पता होता तो मैं एक अच्छी बेटी बनती। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी किताबों के पैसे को दोस्तों के साथ पिज्जा और डोनट खाने पे खर्च कर दिया। मुझे माफ कर दो। आयशा तुम डरो मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हे भगवान, मैडी मुझे माफ कर दो। कुछ दिन पहले लिफ्ट में किसी ने गंदी बदबू छोड़ी थी, वो मैं ही थी। उसकी गंध इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं पाई कि वो मैं हूँ। उसके लिए मैंने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया मैडी। क्या कहा तुमने, वो तुम थी? वाह क्या पागलपन है, इस वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाया था, ये गलत बात है। वैसे वो बदबू, मुझे लगा था मेरी नाक बंद हो जाएगी। क्या तो वो आयशा ने किया था? तुम मेरे बिखरे हुए अरमानों को कैसे शांत कर सकते हो? दोस्तों तुम डरे हुए तो नहीं थे ना? हाँ? ये क्या सिड, तुम भी यहाँ पर हो? क्या हमें यहाँ लाने वाले तुम ही हो? माफी चाहता हूँ। बच्चों मैं तुम्हें डॉक्टर खान से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने वॉच कार का आविष्कार किया। अच्छा लगा मिलकर। ओ हाँ, मुझे भी सभी से मिलकर अच्छा लगा। पर सर हमसे बिना पूछे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे माफ करो बच्चों, पर हमें पूरी सुरक्षा रखनी थी तो हमें खुफिया तरीके से ही चलना था। मुझे डर है कि स्थितियाँ बदतर होती जा रही हैं। दरअसल ब्लैक शेडोज अपनी अद्भुत शक्तियों से इस शहर पर कब्जा जमाना चाहती हैं। क्या? सिर्फ यही नहीं, उनके पास नील है, पिछले सीजन का विजेता। मुझे अफसोस है ये कहने में कि 12 मास्टर्स पर हमले में वो भी शामिल था। क्या? वो नील था? मुझे लग ही रहा था, वीर के साथ मुकाबले में वो कुछ अजीब लग रहा था। हाँ, नील पहले की तरह नहीं था। हमें ब्लैक शेडो के षड्यंत्र को कैसे भी रोकना होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये बहुत बुरा हुआ, कभी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्लैक शेडोज इतनी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। हमारी मौजूदा शक्तियों से उनका मुकाबला करना असंभव है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। सही है, इसलिए मैं तुम्हें काम में लेने के लिए ये अल्ट्रा माइंड की देना चाहता हूँ। देखो। मैंने इसका कोर कोड ब्लू विल के अंदर छुपा दिया है, जिस कोड के पीछे ब्लैक शेडोज लगा हुआ है। इसमें अल्ट्रा कोड तभी काम करेगा जब ब्लू विल तीनों माइंड कीज को काम लेगा। उन अल्ट्रा कोड को काम लेकर मैंने अल्ट्रा कीज बनाई हैं, और अब तुम सभी इस अल्ट्रा की को काम में ले सकते हो। तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है, तुम साफ दिल के हो, और तुम्हारी दोस्ती तुम लोगों को कमाल का बनाती है। तुम चार दोस्त सही वक्त पर सही लोग हो। तुम सभी इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे सही हो। हम सबसे सही लोग हैं? तुम चारों सच में बहुत बहादुर हो और साफ दिल के हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम बच्चे हो, और तुम सभी वास्तव में वॉच कार के बेहतरीन खिलाड़ी हो। अब ये लो, जब तुम ये माइंड की काम लोगे, तुम्हारी वॉच कार शानदार वॉच कार में बदल जाएगी, जो उस शैतान ब्लैक शेडोज को हराने के लिए काफी होंगी। क्या हम सच में इसे काम में ले सकते हैं? हम ब्लैक शेडोज को किसी कीमत पर शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हमें अपनी ताकत मिलाकर वॉच कार्स को बचाना होगा। सही है, अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? सही है, तो मैं भी हिम्मत करके तुम्हारे साथ आती हूँ। तो फिर चलो इस माइंड की ताकत आजमाते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। बढ़िया, करके देखते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए। Oh,
ही दिन में इस बगीचे में आकर कितना अच्छा लग रहा है ना? कितने दिन हो गए हैं हमें मजे किए। जो मन मर्जी हो वो खाएंगे, कोई नहीं होगा रोकने वाला। मैनेजर होगी, एक मिनट भी रुक नहीं सकती। एक बात सुनो, मैं ये क्या है? सोफी, क्या हुआ? सोफी, सोफी, जाओ वहीं पर। सोफी, क्या तुम ठीक हो? ये सब हम पर छोड़ दो और यहाँ से निकलो, किसी सुरक्षित जगह जाओ। शुक्रिया। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। मैं भी यही हूँ, हमला करने में साथ दूंगा। तो ठीक है, अब ब्लू लाइटनिंग, येलो फायरबॉल आक्रमण। वो गया कहाँ? क्या उसे जमीन निगल गई? दोस्तों, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में होती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तुमसे नहीं, मैं सैम से बात कर रही थी। ए सैम, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। सैम हमेशा मेरी मदद करता है। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, वो कोई और था। चिंता मत करो सैम, मैं जानती हूँ तुम सच में क्या सोचते हो। मुझे पता है तुम शर्मा रहे हो, पर मैं कैसे भी करके ये बात मनवा लूंगी। रुक जाओ। ये सब करने का ये सही वक्त नहीं है। तुम बीच में क्यों घुस रही हो? क्या कहा, घुस रही हो? तुमने किसे कहा तुम घुस रही हो? सैम तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता। तुमको क्या लगता है मैं बदतमीज लड़की हूँ? तुम हमारे बीच से हट जाओ, सुना तुमने? सड़ी हुई कद्दू। क्या तुमने अभी मुझसे क्या कहा? हाँ बोला, तुम क्या कर लोगी मेरा? ये सैम के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो इतना भी सुंदर नहीं है। मुझे तुम्हारी जैसी बेकार लड़की को बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? तुम दोनों चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे इस तरह से लड़ना ठीक नहीं। तुम बीच में मत आओ। मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए कभी नहीं कहा, और तुमने मुझे नहीं बचाया, सैम ने बचाया है। तुम्हारे चेहरे पर लगी। अब बस भी करो तुम दोनों। सैम फरामोश, तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो? एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है। ये लड़कियां सच में, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ये वहाँ नील है क्या? सब परेशान करने वाले एक ही जगह पर, अब मैं सभी को मार सकता हूँ। समझने की कोशिश करो नील, ब्लैक शैडोज ने तुम्हारे दिमाग में गलत बातें भर दी हैं। अब वॉच कार्स पर हमला मत करना। दुनिया की सारी वॉच कार्स मेरे सामने घुटने टेक देंगी जैसे ही मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ब्लड अटैक। क्या ये वास्तव में ब्लड है? ये बहुत शक्तिशाली है। अभी हम मिलकर भी अपनी ताकत लगा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। सोफी, बेहतर होगा तुम घर लौट जाओ। जैसे तुम कहो। ठीक है, अब हम अल्ट्रा की काम में लेते हैं। अल्ट्रा
का चेंज शुरू। ये मुझे रोक पाने के जरा भी करीब नहीं। डीमन स्पार्क आक्रमण। बचने का काम मुझ पर छोड़ दो दोस्तों, चलो। मैं ब्लड का ध्यान भटकाती हूँ। रेडी लव बीम आक्रमण। इसका तो कोई असर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? सैम, चलो दोनों तरफ से हमला करते हैं। ठीक है, ब्लेजिंग बॉल, मेगा लाइटनिंग आक्रमण। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चाल से मुझे रोक लोगे? क्योस ब्लास्टर, हमला करो। हम क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा हम इसे कैसे रोकें। और ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते, तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये भूत जैसा है, ये इतना तेज है कि मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे ब्लड की चाल दिख रही है। ब्लूविल, अब शुरू हो जाओ, ब्लड का पीछा करो। मेगा विंड बूस्टर, सबसे तेज गति आक्रमण। हाँ, ये नहीं हो सकता, उसने ब्लड की चाल कैसे पकड़ ली? ब्लूविल ने कर दिखाया, उसने ब्लड की चाल पकड़ ली। उसने किसी तरह से सबसे तेज गति पकड़ी थी, उसकी जगह और कोई वॉचकार होती तो वो फट जाती। बढ़िया ब्लूविल, अब सबसे तेज गति से हमला करो। चलो इसे आजमा कर देखते हैं। डीमन स्पार्क आक्रमण। और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेगा लाइटनिंग आक्रमण। डीमन डिस्क आक्रमण। वाओ, मैं उनका मुकाबला देख भी नहीं पा रही, वहाँ क्या चल रहा है? तुम बेवकूफ लोग मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जो भी हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नील, मेगा लाइटनिंग डीमन स्पार्क आक्रमण। ब्लूविल, कितने बेवकूफ हो, अब मैं तुम सबको खत्म करूंगा इस आखिरी चाल से। नील अपना पावर कॉइन काम में लेने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। पावर कॉइन आक्रमण। वंडर स्वान आक्रमण। डीमन ब्लड आक्रमण। वो उसे रोक नहीं पाया,
ब्लू व्हेल खतरे में है। चलो मिलकर उसे रोकते हैं। ठीक है। तुम घटिया बेवकूफों। ये नहीं हो सकता, ये डीमन ब्लड का हमला कैसे रोक सकता है? वीर, हम उसे रोक पाए हैं, अब तुम्हारी बारी है उसे दिखाने की। सही कहा, ये चला मेरा जवाबी हमला। पावर कॉइन आक्रमण। मेगा ड्रैगन आक्रमण। नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। मैंने ये क्या किया? नील 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 उठो नील।